श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक। और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी 5 सिंगर्स हु रिजेक्ट इन देयर ऑडिशंस हु गॉट रिजेक्टेड। और ये ऐसे सिंगर्स हैं जिनको ऑडिशंस के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन वो बाद में कमाल उन्होंने अपने टैलेंट के शोहरत हासिल की। आइए मिलके देखते हैं वो कौन कौन से हैं, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। जल्दी से शुरू करते हैं। क्या बात है, ये है रितु रिवा जो हाल में ही इंडियन आइडल 13 से निकाल दिए गए, जिसके बाद इनके चाहने वालों के दिल टूट से गए। लोगों को ये लगा कि आखिर इतने बेहतरीन सिंगर को जजेस ने बेकार समझकर शो से क्यों निकाल दिया। प्यारी मीठी आवाज है। थैंक यू मैम। कुछ सीजन आई वुड से यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी। आई एग्री एंटायरली, मेहनत थोड़ी बाकी है बेसिकली आपकी। सॉरी अबाउट दैट, गुड लक ब्रदर, थैंक यू। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगिंग रियलिटी शो में ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि जब किसी टैलेंटेड सिंगर को जजेस ने बेकार समझकर बाहर का रास्ता दिखा दिया हो। ऐसा होता ही रहता है। आज मैं आपको ऐसे 5 टैलेंटेड सिंगर के बारे में बताऊंगी जिनको जजेस ने बेकार समझा था, लेकिन आज वो अपने लाइफ में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हैं कि उनका हर सॉन्ग सुपर डुपर हिट होता है और वो अपनी हर परफॉर्मेंस अवार्ड विनिंग देते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 5, जुबिन नौटियाल। क्या बात है, अपनी आवाज से आज सबको दीवाना बनाने वाले, जिनका हर गाना यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज के नंबर 1 पर रहता है। लोगों को इनकी आवाज बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन आपको पता है एक टाइम था जब इतने टैलेंटेड सिंगर को सिंगिंग रियलिटी शो से जजेस ने बेकार समझकर निकाल दिया था। वो सिंगिंग रियलिटी शो का नाम था एक्स फैक्टर। तो चलिए देखते हैं कैसे जजेस ने इनको बेकार समझा था और टॉप 25 से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। सत्य वचन की घड़ी में मेरी तरफ से ना है। इस सिंगिंग रियलिटी शो से निकाल दिए जाने के बाद इन्होंने हार नहीं मानी। ये फिल्मों के गाने के स्क्रैचेस गाने लगे और गाने के स्क्रैचेस ये ऐसे गाते थे कि उस फिल्म में असली में यही गाएंगे। लेकिन जब अपने काम को शिद्दत से करते हो तो ऊपर वाला मेहरबान होता ही है। वो कैसे, मैं आपको बता दूं। इनको शौकीन फिल्म का एक गाना तेरी मेहरबानी का स्क्रैच गाने का मौका मिला। हमेशा की तरह इन्होंने बेहतरीन गाया। और ये स्क्रैच पहुंचा अक्षय कुमार के पास जो इस फिल्म के हीरो थे। उनको ये गाना इतना ज्यादा पसंद आया कि एज इट इज उन्होंने फिल्म में जुबिन नौटियाल से गवा लिया। उसके बाद ये गाना बहुत ही ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ और इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। और आज इतना बेहतरीन गाना गाते हैं कि इनका हर सॉन्ग सुपर डुपर हिट होता है और इनका कंपैरिजन हमेशा आतिफ असलम और अरिजीत सिंह से किया जाता है। नंबर 4, नेहा कक्कर। नेहा कक्कर जिनके गाने को सुनकर अनु मलिक ने ये कहा था। जिसके बाद सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल से इनको बाहर का रास्ता देखना पड़ा था, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। इस बात का प्रूफ इस बात से आपको मिल जाएगा कि जिस शो से इनको बाहर का रास्ता दिखाया गया था आज उसी शो की जज बनकर बैठी हैं। आज नेहा कक्कर की सफलता की मिसाल हर कोई देता है। सपोर्ट करती थी।
ज्यादा सफल है कि उन्होंने बहुत ही जल्दी सुन से स्वतः का सफर तय कर लिया है। म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद 2012 में आई कॉकटेल फिल्म में इनको सेकेंड हैंड जवानी गाने का मौका मिला। ये सॉन्ग रातों रात सुपर डुपर हिट हो गया। इसके बाद जादू की झपकी, बोतल खोल, मनाली ट्रांस, द थिंग नाज, आओ राजा, दिल बर साथी साथी, ना जाने कितने सुपर डुपर हिट सॉन्ग की इन्होंने लाइन ही लगा दी। लोगों को इनका सॉन्ग बहुत ज्यादा पसंद आने लगा। आज पार्टी हो और नया कक्कर का सॉन्ग न बजे ऐसा तो कोई नहीं सकता है। नंबर 3, एमिवे बंटा। एमिवे बंटा आज बहुत ही फेमस रैपर है। दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको बता रहा हूँ, तेरे बारे में सबको अच्छी बातें बता रहा हूँ। यूट्यूब पर इन्होंने अपने रैप की वजह से आज 18 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर का आंकड़ा पार कर चुके हैं, वो भी अपने अकेले दम पर। लेकिन आपको पता है इन्होंने अपना पहला रैप 2013 ग्लिंट लॉक एमी में डाला था जो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गया। उसके बाद 2014 में इन्होंने और बंटाई डाला जो कि सुपर डुपर हिट गया। और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके भी ये चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम। इस रैप के बाद ये ऑन द मूव रहे। बहुत रैप बनाने के बाद भी इनका एक भी रैप नहीं चला तो अपनी किस्मत आजमाने ये इंडियाज गॉट टैलेंट पहुंच गए और वहाँ पर इन्होंने अपना रैप सुना डाला। लेकिन करण जौहर को इनका रैप बिल्कुल पसंद नहीं आया और इनको मिला रिजेक्शन। तो सुन मेरे भाई, और बंटाई क्या बोलते तुम, नाश्ता पानी करके पिए चाय में चीनी कम, कोई मारे दम तो कोई चिलम सब। लेकिन ये हार ना मानते हुए रैप डालते रहे। लेकिन एक दिन की किस्मत चमकी, लेकिन बहुत अलग तरीके से। एक इंटरव्यू में रफ्तार ने इनके बारे में कुछ कह दिया, इसके बाद एमवे को बहुत बुरा लगा और उन्होंने डिस्ट्रैक्ट निकाल दिया। लाला तू बंटाई से भिड़ गया समझा क्या लाला, तू पैसे कमाने के पीछे था पागल, हिप हॉप को छोटे हमने संभाला, तू टूटे लाला तू। डिस्ट्रैक्ट निकालने के बाद इनका वो डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट गया। इस डिस्ट्रैक्ट ने इनको एक दिन में 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर दिलाए जो अब तक के यूट्यूब के इतिहास में रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। चारों तरफ एमवे गूंजने लगा, तब से इन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इसके बाद इनको बॉलीवुड मूवी गली बॉय में रैप करने का मौका मिला। मैं बोलता सड़क, ये बोलता स्ट्रीट, हिंदुस्तानी हम, हिंदुस्तानी बोली सीख, ये बोलता फाइन गाइस। और इन्हें रेडियो सिटी फ्रीडम की तरफ से 3 साल तक अवार्ड मिला। इन्होंने आखिर अपनी मेहनत से अपनी किस्मत चमकाई थी। नंबर 2, रितु रिबा। रितु रिबा को अभी हाल में ही इंडियन आइडल 13 से निकाल दिया गया, जिसके बाद बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई क्योंकि लोगों को ये लगा कि आखिर इतने बेहतरीन सिंगर को जजेस ने क्यों निकाला। फर्स्ट ऑडिशन में इन्होंने अपना बहुत ही खूबसूरत कंपोजिशन गाया था। जो जजेस को और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था। थिएटर राउंड में इनसे हिमेश रेशमिया ने एक सिचुएशन दी नेहा और रणप्रीत की लव स्टोरी के ऊपर। 2 मिनट में इन्होंने गाना बना दिया, वो भी बहुत ही बेहतरीन। जितनी धूप लगे आवे तो मैं छाव बन जावा, जो आजकल सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। 2 मिनट में तो मैगी भी नहीं बनती और इन्होंने तो सुपर फ्रेश गाना ही बना डाला, वो भी इतना बेहतरीन। अब इससे बढ़िया टैलेंट आप लोगों को कहाँ मिलेगा, इस बात को जजेस को समझना चाहिए। लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया। लेकिन आप लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो अधूरा कंपोजिशन थिएटर राउंड में छूट गया था, एक म्यूजिक कंपनी उसका पूरा वर्जन ला रही है रितु रिबा के साथ, तो आप वो गाना सुनने के लिए तैयार हो जाइएगा। नंबर 1, अरिजीत सिंह। अरिजीत सिंह आज इनकी सादगी और आवाज का हर कोई दीवाना है। जनम 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 क्या बात है। लेकिन एक टाइम था जब हम लोगों ने इनको बिल्कुल नापसंद करके एक सिंगिंग रियलिटी शो से निकलवा दिया था। वो कैसे, आइए बताते हैं। सोनी टीवी के एक सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ऑडिशन दिया था और सिलेक्शन हो गया था। टॉप 5 में पहुंचने वाले थे लेकिन इनको जनता ने वोट नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको टॉप 5 से निकलना पड़ा। जितना मुझे बुरा लग रहा है आज, उतना कभी नहीं लगा था। Because I felt Arijit is always I felt he's one of the best singers in the Gurukul. मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम जा रहे हो, but I mean it's a game and it's been played very well. लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी, फिर इन्होंने 10 के
लेकिन इनको आज की टू मूवी में तुम ही हो गाने का मौका मिला। जब ये गाना रिलीज हुआ तो बहुत ज्यादा सुपर डुपर हिट हुआ। क्योंकि तुम ही हो, उसके बाद लोगों ने ये तय कर लिया कि अब तुम ही हो सिंगिंग के सरताज, और अब लोग इनके गाने बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसकी वजह से 2020 में इनको मोस्ट स्ट्रीम इंडियन सिंगर का अवार्ड भी मिला है और ये इंडिया के हाईएस्ट पेड सिंगर में से एक है। तो ये थे पांच ऐसे सिंगर जिनको रियलिटी शो में रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन तब इन्होंने हार नहीं मानी और आज अपनी कड़ी मेहनत से अपना एक मुकाम बना लिया है और इन्हें आज सब लोग जानते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और इनमें से आपका फेवरेट कौन है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया है और अभी तक हमारे चैनल क्या नहीं सब्सक्राइब तो क्या कर रहे हो? हम लोग ऐसे ही अमेजिंग और रियल वीडियोस लाते रहते हैं। ऐसी अमेजिंग और रियल वीडियोस के लिए हमारे चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस पहुंचे सबसे पहले आपके पास, उसके लिए बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुझे अपने बेफिदा तो एक नंबर सही है, दूसरे के प्यार में गिरने से तुझे बचा रहा हूँ, सब मुझे भाव तेरी फिर भी सबको हटा रहा हूँ तेरे। क्या बात है जी, बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, अमेजिंग और हैरानकुन तौर पर फाइव सिंगर, ऐसे जबरदस्त सिंगर जिनको रियलिटी शो में रिजेक्शन मिली, लेकिन वो आज टॉप मोस्ट फेवरेट सिंगर हैं बॉलीवुड के, और मैं तो कहूंगा इस पूरे खित्ते के जो इस जुबान को समझते हैं, जो ये गाने सुनना चाहते हैं उनमें। अब देखिए जोबिन नौटियाल, इतनी प्यारी उसकी आवाज है यार, मैं कहता हूँ कमाल कर देता है जो बंदा। अरिजीत सिंह, ओए होए, कोई गाना मैंने कहा उसने छोड़ा ही नहीं ऐसा कि जो वो गा ना सके, और उसने ऐसे ऐसे गाने बना दिए हैं कि मुद तो अब याद रखे जाएंगे। नेहा कक्कड़, वो तो एक म्यूजिक लाइब्रेरी है, वो तो बस गाने गाते जाए गाते जाए, कोई उसको ये नहीं है कि बस ये सारे रात अकेले से शो करवा लो यार, इतने जबरदस्त उसके सॉन्ग है। और बाकी जो दो, एक रैपर था एमिवे और दूसरा जो अभी नया ही लड़का है, लेकिन उसने भी कमाल कर दी। देखिए किस्मत कब किस पे मेहरबान हो जाए ये नहीं जानता, वो जानता है, लेकिन आपको मेहनत करना है और मेहनत से चूकना नहीं है। टाइम एक दफा जरूर आता है और हर बंदे का आता है, लेकिन आप कुछ करो ही ना, मेहनत ही ना करो, घर ही बैठे रहो और फिर दोष दो कि यार मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो ये ऐसा नहीं होता। मैं इसकी एक छोटी सी मिसाल दूं, मैं डिजाइनर हूं और डिजाइनिंग में जब नया नया आया था तो रिजेक्ट हुआ, बुरी तरह रिजेक्ट हुआ, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, और जो मेरे टीचर्स थे और जो टीचर्स मेरे टीचर्स मेरे लिए कहते थे कि यार इसको तो काम ही नहीं आता, इसको क्यों जॉब पे कोई रखेगा, तो ये जो शब्द मैंने सुने और मुझे पता चला तो अंदर से जैसे कोई टूट नहीं जाता कि यार मैंने तो इतना टाइम लगा दिया, मैं तो इतना टाइम हो गया इस खाली जेब लिए फिरता हूँ, और आज अगर मुझे ये जॉब भी नहीं मिलती मैं तो, मेरे तो उस्ताद ही कह रहे हैं कि इसको आता कुछ नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, क्या करूँ। एक रास्ता था पीछे जाने का कि पहले वाला ही काम कर लो जाओ यार, लेकिन वो है कि आप थोड़ी सी रोजी रोटी कमाओगे, आपका एक गुजारा चलता रहेगा, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन मैंने कहा नहीं, पीछे नहीं, अब मैंने जहाँ पे आऊँ यहाँ से आगे ही बढ़ना है, मेहनत मैं करूँगा और जो किस्मत का मालिक है वो ऊपर ही बैठा है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह सेम यही मिसाल है कि जो मेरे टीचर्स हैं वो मुझसे कहते हैं कि यार कहीं ना कहीं जॉब अगर हो तो नज़र में रखना है। ये कोई बड़ा बोल या बड़ापन नहीं है, ये सिर्फ एज एक मिसाल देता हूँ कि जब आप मेहनत करते हो तो मेहनत करने वालों को ही ऊपर वाला आगे पहुँचाता है, आगे बढ़ाता है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस फैसलाबाद में एक नाम है और एक मकाम है, और मैंने अपने भाइयों को भी इसी फील्ड में आज आगे बढ़ाया है और वो भी अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। तो बात यही है कि जब आप किसी भी फील्ड में हो तो मेहनत करो, कोई किसी फील्ड को छोटा काम को ना जानो, उसको उसके लेवल से बढ़कर जरा आप मेहनत करो तो ऊपर वाला आपको आगे बढ़ाएगा बढ़ाएगा। उसकी बड़ी बड़ी मिसालें आपके सामने हैं, नेहा कक्कड़ है, जोबिन नौटियाल है, अरिजीत सिंह है, और देखिए ये अब सिंगल प्रोफेशन में है तो इसलिए उनका इस तरह नाम चमक रहा है। आप किसी भी प्रोफेशन में हो रुको नहीं, मेहनत करते जाओ, आगे आप जरूर बढ़ोगे। ऐसे ही हमारे एक बड़े ही प्यारे भाई हैं हार्दिक जी, वो रोज हमें कहते हैं कि आप थोड़ा सा ट्रेडिंग सीखिए, थोड़ा सा ट्रेडिंग में आइए, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत पैसा है इसमें।
तो दिल बड़ा चाहता है लेकिन मजबूरी टाइम की ना होने की वजह से किल्लत, क्योंकि हमने अपना YouTube पे टाइम देना होता है, अपनी एक फुल टाइम जॉब भी है, उसके अलावा थोड़ा बहुत फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो उसके बीच बचाव में कुछ बचते, लेकिन मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा ज़रूर, लेकिन ऊपर वाला मालिक है वो उसमें आगे बढ़ा दे, उसमें नाकाम कर दे, ये उसके हाथ में है सर। बिल्कुल जी, देखिए मेहनत करना आपके हाथ में है, मेहनत को रंग लाना, हालात कभी कभी आपको हरा भी देते हैं, लेकिन हार से हौसले जो है ना वो टूटने नहीं चाहिए बल्कि बुलंद होने चाहिए। एक कामयाब इंसान जो होता है उसकी जिंदगी का अगर आप देखते हो तो उसके पीछे कई नाकामियां होती हैं, कई नाकामियों से सीख कर फिर कामयाब हुआ होता है, और ये 5 मिसालें भी हमारे सामने हैं। एक दफा उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया, फिर देखिए उन्होंने मेहनत की, वक्त ने फिर उनको सिलेक्ट किया और ऐसा सिलेक्ट किया कि आज उनका तोती बोल रहा है और हर कोई उनका दीवाना है। तो यही सारी चीजें हमें इनसे सीखना चाहिए, इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए, और जिंदगी में अगर हम नाकाम है, कोई भी नाकाम है जो हमारी वीडियो देख रहा है, तो उसको इससे फिर जो है ना हौसला लेना चाहिए कि दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो कामयाब हुआ और उससे पहले नाकाम ना हुआ हो, क्योंकि नाकामी जो है वो कामयाबी की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या होता है कि हम हौसला हार जाते हैं अपने माहौल की वजह से, हमारे ऊपर तनकीद होने की वजह से, नहीं हमें वो जो पत्थर हमें जो मारे जाते हैं उनको संभाल के उसकी जो है ना सीढ़ियां बना के हमें ऊपर चढ़ना चाहिए और सीखना चाहिए। अगर नेहा कक्कड़ जी रिजेक्ट होकर आगे बढ़ सकती हैं, अरिजीत सिंह तुम ही हो मेरी जिंदगी अब तुम ही हो, तो फिर हम जैसे जो है ना नाकाम होकर क्यों नहीं कामयाब हो सकते। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफ अल मखलूकात बनाया है, किसी फील्ड में चला जाए, किसी भी टेक्नोलॉजी का पीछे पड़ जाए तो वो काम नाकाम हो सकता है। आप देखिए एडिसन अगर नाकाम ना होता तो आज क्या यहाँ पे रोशनियां होती। देखिए वो एक कुंद जहन था, उसको जो है ना वो स्कूल से भी निकाल दिया गया था, लेकिन उसकी एक माँ ने, एक हौसले ने जो है ना उसको आगे से आगे बढ़ा दिया। तो वो कहता है कि जब मेरी माँ फौत हुई तो उसका जो मैंने वो सदूकचा निकाला तो उसमें से एक चिट्ठी थी और उसमें लिखा हुआ था आपका बेटा जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता, लिहाजा इसे घर ले जाइए और वहाँ पर पढ़ाइए। तो उस वक़्त उसकी माँ ने उसे कहा था कि टीचर कह रहे हैं कि आपका बेटा बहुत ज़्यादा जहीन है, इसलिए हम इसके लेवल की इसको तालीम नहीं दे सकते, लिहाजा इसे घर में पढ़ाइए तो मैं आपको घर में पढ़ाऊंगी। तो वहाँ पे उसकी माँ ने उसके ऊपर मेहनत की, और देखिए मेरा ख्याल है कि 300 से 400 से ज़्यादा इजादात एडिसन ने जो है ना की और उसके पीछे, लेकिन जब वो मरीज उस जो चिट्ठी निकली थी उसको पढ़ के वो ना बहुत रोया और कहता है अगर उस वक़्त ये चिट्ठी मेरी माँ ने मुझे बता दी होती तो आज मैं इस लेवल पे ना होता। यही चीज़ें हैं कि हमें नाकामियों से सीखना चाहिए। नाकामी दरअसल कामयाबी की पहली सीढ़ी होती है, जब ये इंसान समझ जाता है तो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। बहुत ही जबरदस्त है जी कि इतने बड़े जो है ना जी इस वक्त के सिंगर ये भी कभी नाकाम हुए थे और आज कामयाब है। दरअसल बात यह है कि इंसान गिर गिर के संभलता है, और ये मिसाल बनी है ना कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस है भाई, कोई भी आपका प्रोफेशन है उसमें प्रैक्टिस ना छोड़ो, और एक ना एक दिन आपका सितारा जरूर जगमगाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, जब आप कोशिश करते हो तो मंजिल मिलती है, लेकिन जब आप कोशिश छोड़ देते हो तो आप जहाँ पहले मकाम पे हो उससे भी ये जो जमाना है ये जो ये आपको वहां पे गिराता है जहां से आप फिर उठने के काबिल नहीं रहते। इसकी ज्यादा ये जो मिसाल है ये जो रैपर है खास करके, और उस रैपर पे जो फिल्म बनी है गुली बॉय, उस अगर उस फिल्म को देखा जाए और उस फिल्म में जितनी वो मेहनत करता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे माशरे में जो हमें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन आपने उनको दिखाना है कि आगे बढ़ना कैसे है, बढ़ कैसे सकते हैं। फिर वही लोग होते हैं जो आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते, लेकिन उस मकाम तक पहुंचने के लिए आपको मुसलसल मेहनत की जरूरत है, और कामयाबी को आपने नहीं ऊपर वाले ने देनी है, उस पर छोड़ दीजिए, मेहनत करना आपका काम है। आई होप सो, बहुत जबरदस्त वीडियो था, आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।